चुनौतीपूर्ण टास्क है सर नगर निगम के सामने, जरूरतमंदों को सर राशन और भोजन उपलब्ध करवाना, किस तरह से नगर निगम पूरा ताकत के साथ जुटा हुआ है सर? कोरोना की जो महामारी है और इंदौर में जैसा इसका व्यापक प्रभाव हुआ है, उससे निपटने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है और जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, मैं सभी जनता से अपील करूंगा उसका पालन करें। हालांकि इस कर्फ्यू में, इस लॉकडाउन में गरीब और बेसहारा कुछ लोग हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए नगर निगम लगातार लगा हुआ है। हम लोगों ने जो बेघर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके रुकने के लिए राधा स्वामी सत्संग के सहयोग से उनकी फैसिलिटी जो बनी हुई है बिलावली के पास में, वहाँ पर व्यवस्था कराई है। लगभग 500 लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें जो बाहर के राज्यों के फंसे हुए मजदूर हैं, इवन जो यहाँ पे भी काम करने वाले लोग हैं जिनको अभी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर गए हैं। और भी अगर ऐसे लोग जाएंगे वहाँ पर, हमारे पास 5,000 के आसपास की कैपेसिटी है, तो वहाँ पर उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके पास अगर किसी खाने की या राशन की अगर कोई समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो उस पर कॉल करके हम लोग फ्री में राशन और जो खाना है वो उसको पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अगर हमारे पास में कोई ऐसी सूचना आती है, तो राशन के पैकेट और फूड पैकेट पहुंचाने की व्यवस्था करी जाती है। राशन में जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें कि हमारा आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, आलू और प्याज हो गया, केवल यही चीज़ें हम लोग पैकेट में बनाकर दे रहे हैं। और आज की स्थिति में लगभग 25,000 के आसपास फूड पैकेट्स और लगभग 4,000 के आसपास जो राशन के पैकेट हैं वो हमारे द्वारा वितरण किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, अगर बहुत कोई समस्या ऐसी खाने की है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके हो। सर, एक जो किराना व्यवसायियों की सूची घर पहुंच सेवा की वायरल हो रही है सर, वो कितनी सत्य है? जो किराना व्यापारियों की सूची जो वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, किसी प्रकार की दुकानें नहीं खुली हैं, किसी प्रकार की होम डिलीवरी नहीं हो रही है, केवल अत्यंत जरूरतमंद लोगों को ही नगर निगम के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसीलिए उस सूची पर ध्यान न दें और उस पर डायल न करें, वो नंबर पूरी तरीके से गलत है और वो फेक सूची है जो किसी ने बताई है।